एक तारीख को लागू हुआ और शहरी इलाके में ही सिर्फ हमने विदेशी शराब को छोड़ दिया, और उसके बाद जब एक तारीख से शुरू हुआ और जो शहरी इलाकों में महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो बच्चियां हो, इन लोगों ने खूब जुलूस निकाला और 1 अप्रैल से जो शराब की दुकानें खुलने वाली थी उन शराब की दुकानों पर बाहर खड़ा होकर के शराब की दुकान को नहीं खोलने दिया। ये बड़ी उस समय मुझको तो भीतर से खुशी हो रही थी कि हमको लगा कि शहरी क्षेत्र में हम लोगों ने अभी पूरा नहीं चलाया है अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में चला है, तो शहरी क्षेत्र की ये हालत देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और भिन्न शहरों में ये स्थिति रही, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख को अप्रैल में ऐसा रहा। तो 4 तारीख को शाम में हमने बैठक बुलाई और उसी में तय किया कि अगले दिन कैबिनेट से करेंगे। 5 तारीख को कैबिनेट करके हमने शहरी इलाके में भी विदेशी शराब को बंद कर दिया, इस तरह से पूर्ण रूप से शराब बंदी 5 तारीख से ही लागू हो गया। तो आप सोच लीजिए कि जिस तरह से काम शुरू किया गया, 2015 में आप लोगों की मांग हुई और उस पर अभियान चला करके, और जब हम लोगों ने 2016 में 1 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक पूरे बिहार में इसको लागू कर दिया और जो माहौल बना और जिस तरह से इसको लेकर के खुशी हुई, और उसी के बाद फिर हम 16 में ही अप्रैल मई में भी हम निकले, और जिस तरह से अभी एक अभियान की बात है उसी तरह से 9 जगहों पर हर कमिश्नरी में एक एक मीटिंग उसी तरह से महिलाओं का किया और सब लोगों की बात हम सुनते रहे और लोगों को कहते रहे कि जब शुरू हुआ है तो हर हालत में इसके लिए कायम रहिएगा। और उस समय क्या खुशी हुई थी, एक चीज तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं, एक उसी में आप लोगों के बीच की महिला बोली दीपिका समूह की कि देखिए मेरे पति शराब पीते थे और शाम में जब घर लौट कर आते थे तो झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे, घर में हम लोग और जो बच्चियां थी बच्चे थे सबको तकलीफ होती थी, लेकिन जब शराब बंदी लागू हुआ तो उन्होंने शराब पीना बंद किया और अब जब शाम में घर आते हैं तो आते हैं और बहुत अच्छे ढंग से सब्जी खरीद करके लाते हैं और उसके बाद आते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। जब ये बात महिलाओं ने बताई तो कैसी बात है, ये फूलने वाली बात है, जो शराब पीता था और शराब बंदी हुआ और उसमें कितनी खुशी आई। और बहुत लोग तो बोलते रहते थे कि भाई बहुत लोग जो शराब पीते हैं और उसकी तबीयत ऐसी खराब रहती थी, अब उसके लिए जरूरी है कि शराब पीता रहे। तो हमने कहा कि शराब पीने से किसी की तबीयत ठीक नहीं होती है। अब बिहार में हम लोगों ने लागू किया कि किसी भी कीमत पर नहीं, और बाहर इसके लिए पूरा का पूरा कई जगहों पर इंतजाम कराया कि सब भर्ती होंगे और एक एक चीज उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि भाई किसी भी तरह से आपको शराब पीने से आपको कोई खुशी नहीं होगी, और इस तरह से एक एक काम किया गया। तो आप जानते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब कोई भी काम करिए लोगों में कितना अच्छा हुआ। हमने बच्चे बच्चियों को कहा था कि अपने अपने परिवार में लिखवाइए, अगर कोई शराब वराब पीते रहते थे तो सब लिखवा करके कि कोई शराब नहीं पिएंगे। करोड़ लोग से भी ज्यादा लोगों ने लिख करके दे दिया कि हम लोग कभी शराब नहीं पिए। तो एक एक तरह का चीज किया गया तो कैसी स्थिति आई, लोगों में कितनी अच्छी भावनाएं पैदा हुई। लेकिन आप तो जानते हैं कि समाज में जो मनुष्य है, इन सब हम सब लोगों के बीच में कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है। चाहे कितना भी अच्छा काम करिए, कुछ ना कुछ खचपच करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा, ये स्वभाव होता है। आप जरा देख लीजिए, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, अपने धर्म के बारे में देखिएगा कि जितने लोग भगवान आए अल्लाह आए सब आए, उस समय
से गड़बड़ करने वाले लोगों ने क्या क्या बदमाशी किया था। तो गड़बड़ करने वाले लोग तो कुछ होते ही हैं, लेकिन हमेशा उन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए समझाने का। तो ये हम आज आप लोगों से यही कहेंगे, हम पहले भी कहते हैं कि पूरे तौर पर ये अभियान चलाने का मकसद क्या है, ये लोगों के बीच में करना, लोगों के बीच में बुरी बात करना। और आप जानते ही ना कि गड़बड़ करता ही ना है, शराब पिएगा, शराब पिलाने वाला गड़बड़ शराब पिलावेगा, मर जाएगा। सबसे पहले घटना कहां घटी थी, 2016 में जब लागू किए तो सबसे पहला जहरीला शराब पी करके मरे थे कहां, इसी गोपालगंज में लोग मरे थे। और आप जानते हैं ना कि उस पर कार्रवाई जो शुरू हुई, आज तो सब लोगों को मालूम है कि उन लोगों को सजा भी हो गई। तो यहां पर जितने तरह के लोग जो थे वो उन सब कोर्ट में जाकर के अंत में वैसे लोगों को, कितने लोगों को, शायद 7 लोगों को तो आज हो गया फांसी की सजा, फांसी की सजा हो गई। मर्द लोग जो थे गड़बड़ करने वाले, कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। गड़बड़ करोगे, शराब बनाओगे, शराब पिलाओगे, लोगों को मारोगे, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो ऐसी सजा मिल गई, और जो उसमें कुछ महिलाएं शामिल हो गई थी तो उन लोगों को तो खैर आजीवन कारावास की सजा हो गई, ये कोर्ट का फैसला हो गया। तब आप सोच लीजिए, तो जहां पर गड़बड़ करने वाले कुछ लोग थे, जो कुछ भी किया इधर उधर, और जो यहां पर जिस तरह से तेजी से कार्रवाई हुई और उसका नतीजा आप देख रहे हैं ना, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। तो ऐसे लोगों को तो हमेशा सतर्क और सचेत रहना। अभी हाल ही में कुछ घटना घटी किसी बिहार राज्य में, तो कई तरह पर हुआ कि लोगों को शराब पिला दिया, मर गए, और लोग तरह तरह की बात करने लगे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई अगर शराब पिएगा तो शराब पीता है पीने वाले को ये समझना ना चाहिए कि शराब पियोगे तो बचोगे नहीं, मर जाओगे, मत पियो। अगर शराब लोगे, गड़बड़ तरीके से कोई इधर से उधर कर रहा तो तुमको पिला देगा, मर जाओगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग मर गए। तो ऐसी स्थिति आई उस समय, फिर हमको लगा कि भाई हम लोग तो इतना अभियान चलाते रहते हैं और बार बार समीक्षा बैठक करते हैं पुलिस के तरफ से भी, और इस मद्य निषेध विभाग की तरफ से भी सारा सब कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करने वाले लोग रहते ही हैं। तो इसलिए एक बात हो गई कि भाई फिर सब लोगों को शराब पिला दिया, मर गए, तो हम लोगों को फिर से लोगों को सजग और सचेत करने के लिए फिर से अभियान चला देना होगा, ताकि लोगों के बीच में, इसे आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि एक एक चीज करिएगा। कुछ तो गड़बड़ करने वाला लोग है, तो अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो भाई आप बहने बैठी हुई हैं, जीविका दीदियां, हम कहेंगे कि जरूर निरंतर, और आपके उत्थान के लिए जो काम हुआ और जीविका दीदियों ने ही जो बातें कही है, और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, समाज को आगे बढ़ रहे हैं, न सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे समाज को आप आगे बढ़वा रहे हैं, और महिलाएं कितना आगे बढ़ रही है, महिलाओं को उत्थान के लिए कौन सा काम है। जीविका दीदियां हमने शुरू किया, स्वयं सहायता समूह तो बिहार में बहुत कम था, लेकिन जब काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया, हमने उसी समय जाकर के देखा कि आखिरकार स्वयं सहायता समूह का काम बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम कुछ जगह पर गए, मुजफ्फरपुर हम गए, और वहां पर जाकर के हमने देखा कि भाई खूब अच्छा काम नहीं चल रहा, फिर भी महिलाओं में कितनी जागृति, और हम लोगों ने सोचा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। विदेश से कर्ज लेकर के, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के हमने इस काम को और आगे बढ़वाया, और ये तय कर दिया कि हर गांव तक हम बढ़ाएंगे। और जो इस काम को किया, और उसके बाद हमने इसका नामकरण किया जीविका समूह, जीविका समूह नाम दिया, और कितना अच्छा काम हुआ। उस समय
जो लोग केंद्र में थे, बिहार तो सबसे पीछे था स्वयं सहायता समूह में, लेकिन जब हम लोगों ने जीविका समूह के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया तो वहां के लोग आकर के यहाँ देखे और जो देखा कहा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा काम हो रहा। हम तो लगे हुए थे कि कम से कम 10 लाख तो हम करेंगे, अब तो खैर 10 लाख से भी ज्यादा जीविका समूह स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया। तो ये सब तो किया, लेकिन जब वो लोग आकर के देखे और कहा कि भाई तो अच्छा काम हुआ और हमने नामकरण किया था जीविका समूह, भूलिएगा मत, जीविका नामकरण बिहार में हम लोगों ने किया था। और जब हम लोगों ने किया जीविका समूह तो आकर के लोग बाहर से देखे, कहा बहुत अच्छा, और देश भर में नाम दे दिया आजीविका समूह, आजीविका। अरे जीविका तो यहां थी, यही जीविका, सब जगह जाओ आजीविका, समझ गए। बिहार के जीविका समूह का क्या सम्मान हुआ, बिहार में जीविका और देश भर में कहा आजीविका, मतलब आपका काम कितना अच्छा था, तो आप समझ रहे ना। लेकिन फिर भी आपके बीच में भी कुछ लोग बाया दाया इधर उधर दिमाग में डालने की कोशिश करेगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा, निश्चित रूप से आगे बढ़िएगा, और न सिर्फ आप आगे बढ़िएगा बल्कि पूरे समाज को आप आगे बढ़ा रहे हैं।